तो गाइस आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बैटल्स गेम्स के बारे में जो गाइस एक समय पे हमें इंडिया के अंदर देखने मिलते थे और काफ़ी लोग मतलब उन गेम्स को खेला भी करते थे, काफ़ी सही हुए गेम्स थे। पर अब के समय पे गाइस वो गेम हमें इंडिया के अंदर देखने नहीं मिलते और उनके जो ग्राफिक्स थे वो काफ़ी हाई लेवल के ग्राफिक्स थे और साइज भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऐसे ही कुछ गेम्स गाइस आज हम इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं और मैं आज आपको पूरा बताऊंगा क्या कुछ हुआ उन गेम के साथ और आज के समय पर कहाँ आ गाइस वो गेम। तो अभी शुरुआत करते गाइस सबसे पहले गेम की। तो यहाँ पे जो सबसे पहले गेम हमारा निकल के आता गाइस वो है गाइस हमारा होपलेस लैंड। और इस वाले गेम की बात की जाए मतलब होपलेस लैंड की तो गाइस एक बैटल गेम था और इस वाले गेम के मतलब साइज की बात करूँ तो मैं अराउंड 600 से 700 MB के आसपास इस वाले गेम की साइज थी। मतलब अंडर 1 GB के गाइस हमें ये जो साइज के अंदर गेम देखने मिल जाता था। ये वाला गेम जैसे मैं आपको था बैटल गेम था और इसके ग्राफिक्स भी काफी सही थे। और ये वाला गेम की लॉन्च डेट की बात करें तो ये वाला गेम लॉन्च हुआ था गाइस January 2018 में और ये वाला गेम मैंने जैसे बताया आपको बैटल गेम था। और इस वाले गेम की बात की जाए तो गाइस ये वाला गेम मतलब कुछ दिन चला और काफी बंद का मतलब एक समय पर गाइस फेवरेट गेम था। मतलब जब समय गाइस फ्री फायर और पबजी खेला करते थे तब गाइस इस वाले गेम की भी एक अच्छी खासी ऑडियंस थी और काफी सारे मतलब इस वाले गेम्स को खेला करते थे क्योंकि गेम की साइज काफी कम थी और ग्राफिक्स लेवल काफी सही थी। तो इस वजह से काफी गेम मतलब फेवरेट था। उसके बाद गाइस ये जो गेम के डेवलपर की बात की जाए तो गाइस HK हीरो एंटरटेनमेंट और यहाँ पे मतलब इस वाले जो ये कंपनी थी गाइस ये बेस्ड थी गाइस हांगकांग के अंदर और ये गाइस एक चाइनीज बेस्ड कंपनी थी। और उसके बाद देखा जाए तो गाइस मतलब इस वाले गेम को ऐसे बैन नहीं किया गया था, ये गाइस ऑफिशियली गाइस उनकी तरफ से मतलब जो डेवलपर थे गाइस उनकी तरफ से गाइस कंपनी की तरफ से गाइस इस वाले गेम के जो सर्वर थे जो शट डाउन किए गए थे। और इस वजह से मतलब ये जो गेम था इस समय के बाद यहाँ पे खेलना ही मतलब बंद हो चुका था क्योंकि यार ऑफिशियल की तरफ से सर्वर बंद हो गए तो गेम तो चलना बंद ही हो जाएगा। इसके जो सर्वर बंद हुए थे उसकी मैं आपको डेट बताऊँ तो वो है गाइस November 2020। और इस वाले मतलब डेट को गाइस मतलब इस वाले मंथ के अंदर गाइस जो है इस वाले गेम के सर्वर जो है ऊपर से बंद हो गए थे और गेम मतलब खेल पाना ही फिर यहाँ पे बंद हो चुका था। तो ये था गाइस एक गेम जो कि मतलब इंडिया के अंदर गाइस काफी बंदे खेला करते थे और अब के समय पर गाइस इस वाले बंदे को ना खेल पाता है ना ही ये गेम चल पाता है। अभी हमारे नेक्स्ट गेम की बात की जो नेक्स्ट गेम निकल के आता है हमारा वो है रूल्स ऑफ सर्वाइवल। इस वाले गेम की बात किया तो ये भी एक काफी अच्छा गाइस गेम था जो कि गाइस एक बैटल गेम था और इस वाले गेम की साइज भी काफी ज्यादा थी। मतलब अराउंड इस वाले गेम की साइज में आपको तो 2 GB के आसपास इस वाले गेम की साइज थी। और इस वाले गेम की लॉन्च डेट की बात करें तो ये गाइस लॉन्च हुआ था गाइस November 2017 के अंदर। मतलब तब से गाइस इसके बीटा वीटा आने शुरू हो चुके थे और गाइस जो फाइनल गेम लॉन्च हुआ था गाइस जो 2018 के अंदर लॉन्च हुआ था। इस वाले गेम की बात की जाए तो गाइस ये वाला गेम भी मतलब जैसे मैं आपका बैटल गेम था और ये जो मतलब गेम के डेवलपर थे गाइस एक ये चाइनीज बेस्ड कंपनी थी जो कि जिसका नाम आप जानते होंगे नेटिस। तो इनकी तरफ से गाइस गेम आया था और इस वाले गेम को मतलब आने के बाद मतलब इतना तो कुछ मुझे लगता नहीं बंदों ने खेला था क्योंकि यहाँ पे गेम की साइज काफी ज्यादा थी और उस समय पे यहाँ पे उससे कम साइज में गाइस पबजी मोबाइल और फ्री फायर थे। तो ज्यादा बंदे मतलब उस गेम की तरफ स्विच हो गए पर काफी बंदों ने शायद से इस वाले गेम को ट्राई किया होगा क्योंकि इस वाले गेम का मतलब कंसेप्ट जो था गाइस जो उसी टाइप से था पर इस वाले गेम की साइज ज्यादा होने के कारण उस समय पर गाइस इस वाले मतलब गेम को इतना खेला नहीं गया। और इस वाले गेम के मतलब साइज ज्यादा थी पर इसके ग्राफिक्स भी ज्यादा थे और उस समय पे आप जानते होंगे 2018 या 17 की हम बात करें तब के समय पे गाइस जो फोन आया करते थे गाइस वो इतने हाई एंड नहीं हुआ करते थे तो उस समय पे मतलब इस वाले गेम को खेल पाना थोड़ा एक मुश्किल भरा काम था। फिर भी यहाँ पे काफी बंदों ने इस वाले गेम को ट्राई भी किया था पर इस वाले गेम को इतनी मतलब ऑडियंस मिल नहीं पाई और फिर फाइनल जाके मतलब जब जाके मतलब ये जो गेम गाइस एक समय पे बैन हो गया क्योंकि इसका जो रीजन था जो एक चाइनीज बेस्ड कंपनी थी और जब भी मतलब जो चाइनीज ऐप गाइस बैन की गई थी गाइस गवर्नमेंट की तरफ से उन्हीं के अंदर मतलब इस वाले गेम का भी नाम था। और इस वाले गेम के मतलब बैन डेट में आपको बताऊं तो यहाँ पे ये जो बैन डेट है वो है गाइस September 2020। अभी नेक्स्ट गेम की बात की जाए तो गाइस नेक्स्ट गेम जो हमारा निकल के आता है वो है गाइस साइबर हंटर और साइबर हंटर लाइट। अब ये जो दोनों के दोनों गेम्स थे गाइस ये भी एक बैटल के मतलब टाइप के गेम थे पर इस वाले गेम्स की बात किया तो ये थोड़ा बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया करते थे क्योंकि ये जो गेम थे गाइस ये थोड़ा बहुत फ्यूचरिस्टिक से गेम थे और इनका जो एक्सपीरियंस था मतलब थोड़ा बहुत फ्यूचर के ऊपर ये था क्योंकि इनकी जो गन्स थी जो भी पूरा मैकेनिज्म था गेम का वो थोड़ा बहुत फ्यूचरिस्टिक सा था। और इस वजह से क्या है मतलब इस वाले गेम को कुछ कुछ बंदे खेला करते थे और खेलने के बाद यहाँ पे मतलब इस वाले गेम की साइज की बात करूं तो मैं जो साइबर हंटर लाइट था इस वाले गेम की साइज कम थी पर जो हमारा गाइस साइबर हंटर मेन गेम था इसकी साइज भी काफी ज्यादा हमें देखा करने को मिलती थी। और ये सारे सारे गेम्स गाइस एक समय पे प्ले स्टोर पे मिला करते थे गाइस बैन से पहले। और उसके बाद मतलब देखा जाए तो गाइस इस वाले गेम्स को काफी बंदे भी खेला करते थे पर गाइस इस वाले गेम्स को भी इतनी ऑडियंस ज्यादा मिल नहीं पाई क्योंकि गाइस यहाँ पे इंडिया के अंदर आपको पता ही गाइस मतलब सभी को सिंपल चीजें पसंद होती है पर इस वाले गेम्स के अंदर काफी मतलब उटपटांग सी चीजें थी। मतलब यहाँ पे काफी मतलब एबिलिटी और काफी सारे और भी मतलब जैसे मैं आपको फ्यूचरिस्टिक चीजें तो इस वजह से क्या मतलब इतने बंदों ने मतलब इस वाले गेम को खेला नहीं पर इसकी भी एक थोड़ी बहुत ऑडियंस गाइस इंडिया के अंदर थी। और इस वाले गेम को गाइस September 2020 के अंदर गाइस बैन कर दिया गया और ये गेम भी मतलब अब के समय पे कोई नहीं खेलता। अभी कोई बंदे खेलते होंगे तो मुझे पता नहीं पर जहां तक मुझे लगता है कोई भी इस वाले गेम को भी खेलता नहीं क्योंकि ऑब्वियसली गेम बैन है तो कोई खेलेंगे ही क्यों। अभी नेक्स्ट गेम की बात करें तो गाइस नेक्स्ट गेम हमारा निकल गया था गाइस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इस वाले गेम की बात करें तो ये भी एक गाइस बैटल गेम था पर ये वाला जो गेम था गाइस मतलब
पबजी की तरह नहीं था, ये वाला गेम थोड़ा बहुत कॉपी किया गया था इस फोर्टनाइट को, और मतलब फोर्टनाइट जैसा कुछ गेम था। अभी देखा जाए तो गाइस फोर्टनाइट भी इंडिया के अंदर बंदे नहीं खेलते हैं, क्योंकि फोर्टनाइट के मतलब साइज की बात की तो 7 से 8 GB है गाइस, और इतना गेम साइज का गेम कोई खेलेगा ही क्यों। और देखा जाए मतलब इस वाले गेम की भी तो इस वाले गेम की साइज वैसे तो कम थी, पर ये वाले गेम को भी मतलब इतना खेला नहीं गया, क्योंकि सभी बंदे मतलब जैसे कि आप जानते हैं गाइस दूसरा ऑप्शन होने के कारण गाइस उन्हीं गेम को खेला करते थे, जैसे कि उसके अंदर गाइस पबजी मोबाइल। तो यहाँ पे इस वाले गेम को भी इतना कुछ खेला नहीं गया, और इस वाले गेम को गाइस फिर बैन कर दिया गया सितंबर 2020 को अदर चाइनीज गेम के साथ। और यहाँ पे मतलब अभी नेक्स्ट गेम की बात किया तो गाइस नेक्स्ट गेम हमारा निकल गया था गाइस यहाँ पे पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल लाइट। अब इस वाले गेम की बात की जाएगी तो आपको बताया गया कितना फेमस गेम था, इसको कुछ भी बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है इस वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि सारे के सारे बंदे इस वाले गेम्स को खेला करते थे। और इस वाले गेम के मतलब लॉन्च डेट की बात किया तो गाइस ये वाला गेम लॉन्च हुआ था गाइस फरवरी 2018। और यहाँ पे मतलब जो दूसरा गेम्स था निकाल चुकी था पबजी मोबाइल लाइट, जो कि गाइस लो एंड डिवाइस के लिए लॉन्च हुआ था। इस वाले गेम की लॉन्च डेट की बात किया तो ये थी गाइस अगस्त 2019। और यहाँ पे मतलब जो दोनों के दोनों गेम थे आपको पता है कितने पॉपुलर गेम थे, और हर एक बंदा मतलब गेम खेला करता था जिनके पास अच्छा डिवाइस था गाइस वो पबजी मोबाइल खेला करते थे, और जिनके पास लो एंड डिवाइस था जो पबजी मोबाइल लाइट भी खेला करते थे। एक समय पे गाइस मैं भी पबजी मोबाइल लाइट खेला करता था, और गाइस एक दिन अचानक से इन दोनों के दोनों गेम्स को यहाँ पे बैन कर दिया गया था इंडिया के अंदर। यहाँ पे बैन करने का जो रीजन था गाइस वो था सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा शेयरिंग का कुछ सिक्योरिटी सीन था। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए ना गाइस तो ये दोनों गेम्स बैन हो चुके थे, वो भी सितंबर 2020 के अंदर गाइस दोनों गेम जो बैन हो गए थे। और अब जाके मतलब लगभग एक साल ही लगभग हो गया गाइस, उसके बाद फाइनल जाके मतलब जो है पबजी मोबाइल गाइस हमें जो एक इंडियन वर्जन देखने मिला, जो कि था गाइस BGMI मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। और यहाँ पे गेम गाइस सिमिलर ही था, पर इसका जो पूरा डेटा वेटा था गाइस इंडिया के अंदर स्टोर होने वाला था, ऐसा कुछ गेम है। और यहाँ पे देखा जाए तो गाइस अभी तक भी हमारा जो है BGMI मतलब पबजी मोबाइल लाइट का जो है BGMI लाइट अभी तक नहीं आया, काफ़ी बंदे जहाँ तक लगता है मुझे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस इसी टाइप से कुछ पाँचों गेम थे, तो आप बताएंगे आप कौन सा गेम इनमें से खेल रहे थे, और आपका कौन सा फेवरेट गेम था, आप इन सभी गेम में से गाइस कौन से गेम को मिस कर रहे हो। जहाँ तक मुझे लगता है सभी बंदे गाइस जो है BGMI लाइट का यहाँ पे वेट करेंगे, मतलब पबजी मोबाइल लाइट का जो BGMI मतलब इंडियन वर्जन का जो कि होंगे BGMI लाइट 2 उसका ही शायद से मुझे ऐसा लगता है बंदे वेट कर रहे होंगे। तो इसी टाइप से आज का वीडियो था गाइस, तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना इस वाली वीडियो को, और सब्सक्राइब करना चैनल को। अब हम मिलेंगे सीधा अगले वीडियो में।